हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर हम इंडिया पोस्ट के थ्रू कोई भी सिम कार्ड को भेजते हैं तो कितना पैसा लगता है, या आप कह लो कोई भी कुरियर सर्विस के थ्रू अगर आप सिम कार्ड भेजते हो तो कितना पैसा लगता है। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो मैं बना दूँ। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम एक सिम कार्ड को अगर भेजते हैं तो कितना पैसा लगता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, सिम कार्ड को भेजने में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, अगर लगता भी है तो वो लगता है बहुत कम अमाउंट। अगर आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजते हो तो 10 रुपीज़ में ही काम हो जाएगा। अगर आप स्पीड पोस्ट से सिम कार्ड को भेजते हो तो आपको लग सकता है 20 to 40 रुपीज़। अगर आप दूसरे कोरियर सर्विस से भेजते हो तो ये जो चार्जेस होता है वो 50 रुपीज़ तक लग सकता है। वैसे दोस्तों, ज़्यादा चार्ज लगता नहीं है। अगर आपको कोई भी पार्सल रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या पार्सल रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम आपका डाउट को क्लियर कर देंगे।